दोस्तों, जो यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, मूल निवासी, साथ में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर इसमें जाति प्रमाण पत्र जो इसमें अपलोड होता है, अगर आप किसी जनरल के अलावा दूसरी कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ता है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कैसे क्या बनाने हैं, कैसे इसका साइज वगैरह सेट करना है ताकि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट ना हो और आपके एक बार में ही ये अपलोड हो जाए, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा, आपको पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने ये सभी चीजें अपलोड कर ली थी क्योंकि मैंने दोस्तों इस पर एक वीडियो पहले ही बना दी थी, लेकिन उसमें कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से ये वीडियो मुझे दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। इस वजह से मतलब ये पहले मैंने अपलोड करी, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ सभी प्रोसेस को करके किस तरीके से आपको ये अपलोड करनी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोबारा से वीडियो बनाने के लिए एक बार लाइक तो बनता ही है, और साथ में चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं इसकी पीडीएफ में, तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, हम इसके ऑफिशियल पीडीएफ के पेज नंबर 27 पे आ चुके हैं। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, सबसे पहले मतलब फोटोग्राफ से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए, जिसका साइज यहाँ पर 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद साथ में जो भी आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे दोस्तों, वो 1 जुलाई 2023 के बाद की होनी चाहिए, इससे पहले की आपको फोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। और उसमें कैंडिडेट का नाम, साथ में जिस तारीख की फोटो खींची है, वो दोनों चीज़ें साफ साफ मेंशन करनी चाहिए, मतलब नाम और डेट ऑफ फोटो वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, और जो डेट ऑफ फोटो वो 1 जुलाई 2023 के बाद की ही होनी चाहिए, पहले की नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ में आपको गूगल्स या फिर ऐप वगैरह नहीं लगानी, गूगल्स मतलब जो काला चश्मा लोग लगा लेते हैं गाना भी बनाए जिस पर, तो वो आपको नहीं लगाना है, ना ही कोई टोपी वगैरह आपकी होनी चाहिए। साथ में जो भी फोटो आप अपलोड करें उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। और 80% फोटो में, यानी कि फोटोग्राफ जो आपकी हो उसमें 80% हिस्से में आपका चेहरा नज़र में आना चाहिए और थोड़ी बहुत आपकी बॉडी नज़र आ सकती है, मतलब 20% में। इसके बाद और कुछ खास जानकारी है नहीं है दोस्तों, आपके चेहरा मतलब कान वगैरह दोनों साफ साफ नज़र में आने चाहिए, चेहरा बिल्कुल सही नज़र में आना चाहिए, ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए फोटो। उसके बाद जो भी आप फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे उसकी 8 से 10 आपको पासपोर्ट साइज कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास, वही व्हाइट बैकग्राउंड में, क्योंकि आपको अगर बाई चांस में काम हो जाता है तो आपको फ्यूचर यूज के लिए यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो दोस्तों, सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट पेपर पर, ब्लैक पेन से ही साइन करना है, ब्लू पेन का यहाँ पर यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन से ही आपको साइन करना है व्हाइट पेपर पर। व्हाइट पेपर बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया उस पर साइन कर दिए, तो बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, उस पर आपको ब्लैक पेन से साइन करने हैं। और रनिंग हैंडराइटिंग में साइन करने हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप साइन करें तो सब लेटर कैपिटल नहीं बनाने, पहला लेटर कैपिटल बना सकते हैं, बाकी सब आपको स्मॉल बनाने, मतलब रनिंग हैंडराइटिंग में आपको साइन करना है। सीधी बात ये बताऊँ तो इसका साइज यहाँ पर 4 से 30 KB के बीच में आपको रखना है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद थंब इम्प्रेशन के लिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों, थंब इम्प्रेशन भी आपको व्हाइट पेपर लेना है, बिना लाइन वाला पेपर, उस पर आप ब्लू इंक से आप थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं, चाहे तो ब्लैक इंक से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्लैक इंक अवेलेबल है तो। इसका साइज 10 से 50 KB के बीच में आपको रखना है, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए भी। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मूल निवासी हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, या फिर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट हुआ, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करेंगे दोस्तों, उसका साइज यहाँ पर 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में ही ये सभी फाइल्स होनी चाहिए आपकी, तो आपको यहाँ पर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया इंस्ट्रक्शंस वगैरह, अब यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट पर ले चलता हूँ जिसकी मदद से आप बड़े आराम से ये सभी फाइल को यहाँ पर सेट कर पाएंगे, और फ्री वेबसाइट है, कोई भी चार्ज वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा, मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट का यूज करते हैं तो। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैं formjankari.com पर आ गया हूँ, यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल्स के ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स नजर आ जाएंगे, ये तीनों टूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं बहुत काम के हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज करेंगे नेम एंड डेट ऑफ फोटो वाला टूल। यहाँ पर ये टूल क्या करेगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास फोटो है जिसपे डेट डली हुई पुरानी, या फिर डेट मान लीजिए उस पर है ही नहीं और नाम डेट वाली आपको फोटो चाहिए, तो आप इस टूल का यूज करके यहाँ पर फोटो पे नाम डेट बड़े आराम से डाल देंगे एक बार में। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको फोटो अपलोड करनी है जिसपे नाम डेट नहीं डली है या फिर डली हुई है, तो उसको थोड़ा सा आप क्रॉप कर दीजिए तो बिना नाम डेट की हो जाएगी। इसके बाद आपको इस पर नाम डेट डालनी है, तो मैं यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास फोटो है जिसपे कोई भी नाम डेट वगैरह नहीं डली है, व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो है, कान वगैरह दोनों साफ नजर में आ रहे हैं, पासपोर्ट साइज फोटो है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। आप चाहें तो मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, क्रॉप कर लीजिए, इसके बाद इस वेबसाइट पर आके नाम डेट वगैरह डाल लीजिए। ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, इसमें आपको नाम लिख देना है, जो भी आपका पूरा नाम है जो आपने फॉर्म में फिल किया है,
सरनेम वगैरह हो तो वो भी आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी डेट आप फोटो पर डालना चाहते हैं। तो मैं आज की डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ क्लिक करके, 9 तारीख। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है महीना पहले आ रहा है, तारीख बाद में आ रही है, इस तरीके से आपको लग रहा होगा उल्टा आ रहा है। लेकिन जब आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 9 तारीख और 12वां महीना पहले आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग से आ जाएगा यहाँ पर। अगर बाई चांस ये उल्टा आ रहा है यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ पर सिंपली चेंज कर लेना है, इंटरनेट 9 पहले कर देनी, 12 बाद में करनी है। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी क्लिक करके। एक बार सबमिट कर जब ये सीधा हो जाए तो आपको इमेज को डाउनलोड कर लेना है जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैं P1 नाम से सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, हो सकता है उसका साइज कम ज़्यादा हो, तो आपको वापस से यूजफुल फाइल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे, मैनुअल इमेज रिसाइजर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जितनी फाइलें आपके पास है, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट है, उनका साइज हमें बनाना है इनके हिसाब से, ताकि एक बार में अपलोड हो जाए। तो फोटो का साइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बता रखा है 10 से 200 के बीच में। तो सबसे पहले हम फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे वापस से, जो हमने बनाई है फोटो, उस फोटो को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फोटो है, वैसे तो इसका साइज मेरा 20 KB के आसपास होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये वेबसाइट ही कुछ ऐसी है कि 20 KB के आसपास ही ऑटोमेटिक साइज बना देती है। लेकिन अगर बाई चांस आपकी इमेज का साइज कम ज्यादा हो रहा हो, तो आप यहाँ पर ओपन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पिक्सल्स ही रहने देना है सभी केस में, जितने भी यहाँ पर मैं केस बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट वगैरह वाले, सब में पिक्सल्स यहाँ पर रहने देंगे, आप सेंटीमीटर सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वैसे में आपको डाल देना है 300 और हाइट में डाल देना है 400। अब यहाँ पर एक आपको लाइन नजर आएगी, इसके थ्रू आप क्वालिटी यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं फोटो की। यहाँ पर साइज नजर आएगा, आप देखेंगे जैसे मैं ये बढ़ाऊंगा साइज यहाँ पर बढ़ने लगेगा। आप इसका साइज यहाँ पर 30 KB के आसपास, 30-35 KB के आसपास करके डाउनलोड कर लीजिए। इसको वापस से पुरानी वाली मैं हटा देता हूँ, इसमें इसी नाम से सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास सिग्नेचर डले हुए हैं, आप इस तरीके की कोई फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, जैसे सभी लेटर कैपिटल लिखे हुए हैं, ब्लैक पेन से मैंने साइन कर रखा है, ये फाइल मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, और चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकता हूँ अपलोड। मैं ये वाली फाइल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब सिग्नेचर केस में दोस्तों आपको यहाँ पर 500 डालना है और इस वाले ऑप्शन में 250 डालना है, दूसरे वाले ऑप्शन में। आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज यहाँ पर 20 KB के आसपास हो चुका होगा, थोड़ा बहुत बढ़ा घटा सकते हैं आप यहाँ से। मैं यहाँ पर 22 KB के आसपास कर लिया, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, S1 नाम से सेव कर दूंगा। अब दोस्त अब जो है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में दे रखा था, इसी तरीके से थंब इंप्रेशन भी आपको 4 से 30 KB के बीच में अपलोड करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, तो थंब इंप्रेशन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाला मेरे पास थंब इंप्रेशन 4 से 30 KB के बीच में इसका साइज कर लूँगा। यहाँ पर भी 500 आप रहने देंगे और यहाँ पर आप 250 कर देंगे, इस तरीके से। आप देखेंगे 50 KB से ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं अपन। मैंने इसको कर लिया है 22 KB के आसपास, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, T1 नाम से सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अगर आपके पास है, तो नहीं तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर स्कैन करके रख लेना है या फिर फोटो खींच के रख लेना है साफ साफ। इसके बाद आपका अपना मूल निवासी हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, सभी की फोटो खींच लेना अलग अलग, और उनको एक एक करके यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका मतलब, मान लीजिए मेरे पास ये वाली फाइल है, सैंपल फाइल है, मैं एक ही फाइल आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से आपको तीनों चीज़ें कर लेनी जो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है सभी चीज़ें। मैं यहाँ पर एक फाइल अपलोड कर लेता हूँ। आप देखेंगे इसका साइज 142 KB के आसपास हो जाएगा है, और अपन को जो फाइलें अपलोड करनी है वो 50 से 300 KB के बीच में करनी है। तो मेरी फाइल का साइज़ तो सही है, लेकिन हो सकता है आपके पास जो भी फाइल है, जो भी आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो, उसका साइज़ कम ज़्यादा हो रहा हो। तो क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 500 डालना है वापस से, और यहाँ पर डाल देना है 700। हाइट वाले केस में आपको 700 कर देना है, यहाँ पर 500 कर देना है। आप क्वालिटी के ऑप्शन को कम ज़्यादा करके यहाँ पर साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। इसको 100 KB के आसपास मैं कर लेता हूँ, यहाँ से 98 KB कर लिया है, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको तीनों फाइलें यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है एक एक करके, या फिर दो फाइल लग रही है तो दोनों डाउनलोड कर लेनी है, कुछ भी नाम से आप इनको सेव कर दें अलग अलग, और मैं एक ही फाइल से आपको बता देता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है, अगर आप पीसी का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन फाइल्स वाले ऑप्शन में, इसमें आपको सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन नजर आएगा, इसमें आपको फास्ट स्टन इमेज व्यूअर डाउनलोड कर लेना है PDF में बदलने के लिए फाइल्स को। बड़ा इजी सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल आराम से आप कोई फाइल को PDF में बदल सकते हैं, इसकी मदद से मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पर आप सर्च कर सकते हैं JPEG to PDF कन्वर्टर, काफी सारी वेबसाइटें यहाँ पर भी आ जाएंगी। कोई भी वेबसाइट का यूज करके आप फाइल को मतलब JPEG फाइल को आप PDF में बदल सकते हैं। बस यहाँ पर मोबाइल में क्या क्या होता दोस्तों, कई बार मतलब साइज उसका PDF में जब वो कन्वर्ट करता है तो साइज कंप्रेस कर देता है, तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कौन सी वेबसाइट फाइल का साइज सही बना रही है, क्योंकि कई सारी वेबसाइट कंप्रेस करके फाइल का साइज छोटा कर देती हैं। तो आपको देख लेना कौन सी वेबसाइट सही से PDF बना रही है, लेकिन ये वाला टूल है बड़े आराम से एक बार में कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ जो हमने बनाई है यहाँ पर कन्वर्ट करके। ये वाली इमेज है,
एक बार में हमारी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले से अपलोड थी इस वजह से, लेकिन एक बार में लिख के आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे, थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड कर लेना है, और यहाँ पर आप मूल निवासी अपलोड करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे अभी तो भैया आपने पीडीएफ बनाया ही नहीं, जेपीजी में अपलोड सेलेक्ट डाउनलोड कर लिए, तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है, वो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया, तो उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, फास्टेस्ट रनिंग इमेज वीडियो का आपको ऑप्शन नजर आएगा, इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव एज का आपको ऑप्शन नजर आएगा। इस पर आप नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। उसी नाम से आपकी फाइल पीडीएफ में बन के सेव हो चुकी होगी। इसी तरीके से आपको एक एक करके तीनों फाइलें यहाँ पर पीडीएफ में बना लेनी है, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर फाइल हमारी एक बार में अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली फाइल भी हम एक बार में अपलोड कर देंगे। मैं दोनों जगह एक ही फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको अलग अलग फाइलें जो यहाँ पर मांगी जा रही है वही चीज़ अपलोड करनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर सभी चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया हो तो।